अपना इलाज कराओ फातिमा, ताकि घर का काम ठीक कर सको। मुलाजमत के लिए सेहत बड़ी जरूरी होती है। तुम्हारी तबियत तो बहुत खराब है। बेगम साहबा, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और देखो, जब तक तबियत ठीक ना हो जाए ना, काम कराने की कोई जरूरत नहीं। ये लो बैठे और डॉक्टर को दिखाकर अपनी दवा लो। चलिए बेगम। अपनी दुआ से ज्यादा मुझे अपने बेटे की किताबों की जरूरत है। मोहम्मद अली। यस सर। सही जानवर। यस सर। अफजाल हुसैन। यस सर। रुस्तम खान। यस सर। आफताब खान। यस सर। रोशन अली। यस सर। कालिया लंगूर। खामोश। बेवकूफ को कहीं के किसी की सूरत देकर हंसा नहीं करते। हर एक की सूरत अल्लाह ताला ने बनाई है। मास्टर साहब, खजाची साहब आ गए हैं, आप जाकर तनखा ले आए। अच्छा, इंतजार होना है। मैं जरा तनखा ले आऊं, तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, दीनियात मैं खुद आकर पढ़ाऊंगा। जन्नत में नहीं जाना चाहते? नहीं मास्टर जी, मेरी माँ नहीं मानती। मैं घर जाना चाहता हूँ। आज तुम अपनी दवा ले आती तो कितना अच्छा होता, कितना बुरा होता अगर आज मेरे बेटे की किताबें ना आती तो। फातिमा, तू दवा के बगैर मर जाएगी। किताबें ना आती तो मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती। मैं इन किताबों को देखकर तुम्हारी जान लाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत करना। मुझे तालीम नहीं, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, किताबें मत बेचना। रोशन, वरना वही बदला ले लेता। खुदा के लिए मुझे ना रुकवाता, मैं माँ की दवा लेके जा रहा हूँ। तेरी दवा की ऐसी की तैसी। लेने गया था मैं अपनी किताबें बेच कर दवा लाया था, मगर रास्ते में आफ्ताब मिल गया, उसने मुझे मारा भी और दवा के शीशे भी तोड़ दी। दवा जरूर लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बेटे, तुम्हारी मां मर गई।
रह गया, रह गया। देखा, मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। ये बेचारी तो मर जाएगी। मर जाने दे, मैं शिकारी हूँ और मुझे अपना शिकार मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। अबे, इस मकान का किराया तेरी माँ दे दी थी जो मर गई। निकल मकान से। मगर मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे दे। अबे अबे, इस सवाल का जवाब खुदा से पूछ। वो भी जवाब ना दे तो बेटा फिर शराफत से इस सवाल ही को पी जा। चल निकल यहाँ से और किसी शरीफ किराएदार को आने दे। जिसकी माँ मर जाए दुनिया उसे यही सलूक करती है। मुंशी जी मुझे यही रहने दो, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे। अबे उन बच्चों का बाप भी जिंदा है और माँ भी, वो तुझ जैसे बदनसीब नहीं। चल निकल यहाँ से, पहले ही बेटा 3 महीने का किराया बाकी है। चल। आप बेगम साहब, अब मेरी माँ आपके यहाँ काम करने नहीं आएगी, वो मर गई है। बेटे तुम्हारी माँ जिंदा है। ये लो अपने 3 महीने का किराया जो मरने वाले की रूह का बोझ बना है। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी तो बहुत जरूरत थी मुंशी जी। ये कितना बड़ा सच है कि इस दुनिया में गरीबों पर सरमायादारों से कहीं ज्यादा जुल्म गरीबों ने तोड़े और तुम इसका सबूत हो। बेटे आज से तुम मेरे घर में रहोगे, मेरे दिल में गैर बनकर नहीं, मेरी औलाद बनकर। थोड़ी दे। अरे बेटे सर्दी का मौसम है, ठंड का असर नहीं होगा, पी लो मैं कहता हूँ। अब्बू मेरा नाम आफ्ताब है, आफ्ताब जो हमेशा गर्म रहता है। कालियों को यहाँ क्यों ले आए हो अम्मी? बेटे फातिमा के मरने के बाद हमारे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं, अभी यही रहेगा। मुझे इस कालिये से नफरत है, इस कालिये को घर से निकाल दो, पीछे हटो। बेगम अगर आपको इस बच्चे से इतनी ही हमदर्दी है तो इसको घर से बाहर रखकर भी आप इसकी मदद कर सकती हैं। माँ की नजर के सामने उसका बेटा रहे, जो खुशी माँ को हो सकती है वो सिर्फ माँ ही जान सकती है। मगर ये आपका अपना बेटा तो नहीं? ममता की नजर में दुनिया का हर बच्चा उसका अपना बच्चा होता है। मम्मी आओ बेटे, बेटे यहाँ बैठो, बहन के साथ नाश्ता करो, हम अभी। बर्दाश्त कर लो बेटे, अब ये लड़का यहीं रहेगा। अब्बू अगर ये अम्मी का बेटा तो मैं फिर कौन हूँ? अब बेटे तुम्हारी अम्मी ने उसका दिल रखने के लिए उसे बेटा कहा है, असल में वो हमारा बेटा तो नहीं, ये फातिमा की जगह पर घर का काम काज करेगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, कपड़े धोएगा, ये बेटा बनकर नहीं हमारा नौकर बन के रहेगा। ऐसी पॉलिश करना कि इसमें तुम्हारा चेहरा नजर आए, वरना यही जूते तुम्हारे सर पर मारूंगा, समझे? रोशन आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? अम्मी लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं पढ़ने के बजाय कोई काम सीखूंगा। काम? कैसा काम बेटे? जो मेरा बाप किया करता था, वो मोटर मैकेनिक थे, मैं भी वही बनना चाहता हूँ। बड़ा होकर अच्छा कारीगर बन गया तो दुनिया वाले मेरा काम देखकर खुश होंगे, मेरी सूरत से नफरत नहीं करेंगे। हेलो जूली, कहाँ रहती हो, मिलती नहीं? अरे मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ। कहो स्वीटहार्ट, सुना है शादी वादी कर डाली तुमने? मैंने शादी कर ली? अरे मैं जूली नहीं हूँ। तो नजमा बोल रही हो ना? मैं नजमा भी नहीं हूँ। अब पहचान लिया, रुखसाना बोल रही हो। आज तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है। डियर यू फ्रॉड, मैं लुबना बोल रही हूँ। ओ लुबना लुबना स्वीटहार्ट,
मैं भी तो यही सोच रहा था कि इतनी प्यार भरी आवाज तुम्हारे सिवा किसकी हो सकती है। कैसी हो बेबी? अरे मैं बैरूत में थी, आज ही आई हूँ। तुमने तो मुझे याद भी नहीं किया होगा। अरे जाने मन, याद तो उसे किया जाता है जिसे भुलाया जाए। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, वरना मैं तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाता। झूठे कहेंगे। अरे लुबना डार्लिंग, तुम तो जानती हो तुम वो पहली लड़की हो मेरी जिंदगी में जिसे मैंने दिल से प्यार किया है। वैसे बोल कहाँ से रही हो? हाँ शाम मिलूंगा क्लब। कसम खुदा की तुम्हारी बाहों में आज रात का मुकद्दर समझ जाएगा। ओके बाय। अरे अब दिन में भी पीनी शुरू कर दी? रातें झूठी हो गई यार। तुम सुनाओ तुम कैसे आ गए? अरे डैडी ने बताया था आंटी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें देखने आया हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में होंगी। तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? कोई खास नहीं। तुम तो जानते हो ये बुढ़ापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी होता है। अच्छा मैं जरा आंटी से मिल लूं। तुम सुधर जाओ। अपनी तो खैर है प्यारे, तू अपने कंधे पे ये फूल सजाए जा। बड़े कांटों से गुजर कर इन फूलों तक पहुंचा। जानता हूँ जानता हूँ, कॉलेज के जमाने में भी बड़ा शौक था तुझे इन फूलों का और तुझे रंग बिरंगी कलियों का। मिसना हम ये डांस करें, आओ मिलके डांस करें। सागर से सागर टकराओ, मस्ती में झूमो लहराओ, होंठों पे अंगारे झूलो, जुल्फों से खुशबू को चुरा लो। रोमियो जूलियट शर्मा जाए, रोमियो जूलियट शर्मा जाए, हम ऐसा रोमांस करें, आओ मिलके डांस करें, आओ मिलके डांस करें। ये रातें खाली ना जाए,
आती है एक बार जवानी, होने तो कोई ना जानी, दुनिया से शर्माना कैसा, दुनिया से शर्माना कैसा, खुद को जरा एडवांस करे, आओ मिलके डांस करे, आओ मिलके डांस करे, जीवन बस एक बार है मिलता, हा, 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 जीवन बस एक बार है मिलता, मिसना हम ये चांस करे, आओ मिलके डांस करे। रोशन भाई मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। तुझे तनख्वाह नहीं मिली क्या? वो तो सारे एडवांस में कट गए। जुआ और शराब जारी रखेगा तो यही हाल होगा तेरा। यार मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास एक पैसा नहीं है। रोशन भैया मेरी माँ बीमार है। माँ बीमार है? हाँ, उसके लिए दवा लानी है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? चले, नहीं मुझे सिर्फ 20 रुपए चाहिए। अरे चल जल्दी जा, जा, जा। जिंदगी से मायूस कर दिया है भाईजान, मेरा तो अब जिंदगी से भरोसा उठ गया है। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो सलमा, आनन फानन वक्तन बफक्तन, बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। मुझे अपनी नहीं इस घर के मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी सारी जायदाद की तकसीम हो जाए, ताकि मेरे मरने के बाद बहन भाइयों में कोई झगड़ा ना हो। मैंने फैसला किया है लाहौर की तमाम जायदाद आफताब के नाम कर दूं और साहिवाल की जमीन रसिया के नाम और इस्लामाबाद की तमाम जायदाद रोशन के नाम। रोशन के नाम? आनन फानन वक्तन फवक्तन, तुम्हें ये क्या हो जाता है सलमा? रोशन को तुम बेटा कहती हो लेकिन वो तो बेटा कहती ही नहीं, अपना बेटा समझती भी हूँ। मेरी जायदाद पर उसका भी उतना ही हक है जितना आफताब और रसिया का। लेकिन मेरा मशवरा है कि भाईजान, ममता के फैसले मशवरे से नहीं बदला करते। जब मैंने ममता ही बांट दी है तो जमीन बांटते हुए क्यों सोचूं? सुनो, क्या बात? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? माँ अपनी जायदाद में से तुम्हें हिस्सा देने का फैसला कर रही है। माँ मुझे जायदाद? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है रोशन, मैं माँ के इस फैसले को बदल के रख दूंगा। माँ मेरे हिस्से की ममता तो तकसीम कर सकती है लेकिन जायदाद नहीं। अगले जायदाद तुझे मुबारक हो, मुझे तो माँ के कदमों की खाक ही मिल जाए, यही मेरी खुशकिस्मती होगी। माँ को यह हक कभी नहीं पहुंचता कि वो अपनी औलाद का हिस्सा किसी और को दे दे। नौकर को भी जायदाद का हिस्सेदार बनाया जाए मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ ये सरासर ज्यादती है यार। ज्यादती नहीं जुल्म का हूं। जब से मैंने माँ का यह फैसला सुना है आग में जल रहा हूं। खुद को जलाने के बजाय उसे जलाकर राख कर दो जिसने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दिया। उसे कुचल दो आफ्ताब, ना वो रहेगा ना कोई परेशानी रहेगी। अल्लाह, अभी जान को किडनी पेन अक्सर होता है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। क्या हुआ, क्या हुआ अम्मी? अम्मी जान को गुर्दे में दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ है। ये इंजेक्शन और दवाएं बहुत जल्दी लेकर आओ अम्मी, बहुत जल्दी अभी लेकर। Thank you.
रहेगा ना कोई परेशानी रहेगी। तो इनकी हालत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। भैया, ये आपको क्या हुआ? मेरे जख्मों की वजह ना पूछ। यम्मी के लिए दवाई है, इंजेक्शन देते। डॉक्टर साहब, लीजिए। अत्ता, तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं क्या करूं? मैंने मां को यह नहीं बताया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। अगर बता भी देते तो क्या फर्क पड़ता? मां को दुख होता। एक चूंटी कुचली जाए तो कोई रोया नहीं करता, मगर एक बेटा मर जाए तो मां रोया करती। तुम अपने आप को मेरी मां का बेटा समझते हो? मुझे समझते क्यों नहीं आता? तुम मेरे लिए रहम क्यों नहीं बनते, जुल्म क्यों बने रहते हो? इसलिए कि मैं तेरी औकात को अच्छी तरह जानता हूं कालिए। एक मामूली नौकरानी का वो मनहूस बेटा है जो हमारे टुकड़ों पर बन रहा है। मैं जानता हूँ आफ्ताब के मैं मनहूस हूँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे मुझे कह लिया करो। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो आफ्ताब, लेकिन खुदा के लिए उस माँ को जीने दो, उस बहन को जीने दो जो दिल की मरीजा है, जिसके दिल का तुम्हें ख्याल तक नहीं। आफ्ताब, तुम ऐसा क्यों करते हो? कुछ काम? भैया मैं शादी कर रही हूँ। अरे क्या फकरी हो तुम? सच कह रही हूँ भैया, अगले हफ्ते जुमे के रोज मेरी गुड़िया की शादी है और उसके लिए जेवर कपड़ा और तुम्हारा सब न जाने तुम्हें कब अकल आएगी, कब होश आएगी कि तुम अब शर्मानी चाहिए। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन अभी गुड़ियों के साथ खेलती। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए कोई पैसा नहीं है, समझी? बेबी क्या बात है बेबी? बताओ आखिर क्या बात है? भैया से 50 रुपए मांगे थे, उन्होंने डांट दिया। अब आप ही बताएं पापा, 50 रुपए गुड़िया की शादी के लिए ज्यादा है क्या? ये रकम तो बहुत कम है बेटिया। आनन फानन बख्तन पवक्तन, मेरा ख्याल है इस शादी पर कम से कम 100 रुपए खर्चा आएगा। महंगाई का जमाना है। शादी का दावतनामा देने। शादी? किसकी? अपनी गुड़िया की। बड़ी धूमधाम से शादी कर रही हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ आ रही हैं। तू भी जरूर आना रसिया, बड़ा मजा आएगा। अरे ये उम्र और गुड़िया की शादी, इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बातें बच्चों जैसी करती। और मुझे भी तेरा ये बड़ी बुढ़ियों की तरह बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे यही दिन तो है खेलने कूदने के। हाँ जरूर आना रसिया, नहीं तो तेरी मेरी कुट्टी। तुम? वाह, यहाँ कैसे? वो मेरी गुड़िया की शादी हो रही है ना, तो रजिया को शादी का दावतनामा देने आई थी। इस उम्र में गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हुए कुछ अच्छी नहीं लगोगी। माशाल्लाह से जवान हो गई, अब प्यार का खेल खेला करो। जी जाओ, आज तुम्हें भी जवान कर दिया।
जावा तुम्हें भी जवान कर दिया।
आनन फानन वक्तन फवक्तन ये गठरी में क्या लिए जा रही हो? फराके अभी कल ही तो धुलकर आई है लॉन्ड्री से, अब कहाँ लिए जा रही हो इन्हें? अपने घर सरकार बेबी ने सारे कपड़े मुझे दे दिए। तुम्हें दे दिए है मगर किस लिए? इसके बच्चों के पहनने के लिए। मुझे अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है दे। बिटिया आनन फानन वक्तन फवक्तन ये मैं ये क्या देख रहा हूँ? ले जाओ इन्हें जल्दी से ले जाओ। आनन फानन वक्तन फवक्तन मुझे अब गुड़िया की नहीं तेरी शादी की फिक्र हो गई है। तेरी शादी किया शादी हो तुमसे? हाँ कल रात ही तो तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। वादा किया था मैंने? अपना हाथ देखो। ओह क्या हुआ? पैर दिखाओ अपना पैर जल्दी। गजब हो गया। क्या हुआ डार्लिंग? अब किस्मत की बदनसीबी बैड लक बेबी, ना तुम्हारे हाथ में कोई शादी की लकीर है और ना कोई पांव में घर से भागने वाला निशान। ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सॉरी। ओह यू प्राउड? थैंक यू। तुम जैसा चालाक शिकारी आज तक मैंने अपने क्लब में नहीं देखा। माय डियर फ्रेंड शराब, अच्छी शराब और खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी है। वेरी गुड। मैं दूसरों के लिए नहीं अपने लिए जीता हूँ। सागर टूटे या किसी का दिल, अपने पे कोई असर नहीं होता। हनी लव लेटर बिल मनी मनी कीप द चेंज। बेबी 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 जल्दी चलिए। कौन बेबी? कैसी बेबी? कहाँ की बेबी? मैं बेबी नहीं बीबी सीमा हूँ और अब आप बहुत जल्द किसी की बीवी बनने वाली हैं। क्या? हाँ सरकार के पुराने दोस्त अफ्रीका से आए, वो अपने बेटे की शादी आपसे करना चाहते हैं। मुझसे? कोई ऐसी तरकीब बताओ कि बात बिगड़ जाए। तो इनकार कर दीजिए। इनकार इधर से नहीं उधर से होना चाहिए। इनकार सुनने का मैं आदि नहीं हूँ सेठ कमाल। अफ्रीका में सारा सारा दिन बड़े बड़े शेर बबर हाथी गेंडे मेरी बातों में यस यस करते थे। अब्बू तो तुम्हें इस रिश्ते पर यस कहना ही पड़ेगा। अरे भाई आनन फानन वक्तन फवक्तन तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? लेकिन फैसला सीमा ही करेगी, इसलिए कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों में यही रिवाज है। ओह नो नॉट एट ऑल, तुम्हें तो पता ही है ना मैं सीमा को देखने आया हूँ ना इस रिश्ते के लिए आया हूँ, वरना मेरे पप्पू के लिए रिश्तों की क्या कमी हो सकती है। आई मीन टू से मैं तो वैसे ही तुमसे मिलने के लिए आया था और ये रिश्ते वाली बात बाय द वे बीच में आ गई, और जब ये आ गई तो बस आ गई। हाँ वो आ गई। मेरी आंखों में सुबह से दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ। फौरन जाओ बेटी, लेकिन पहले इनसे मिलो। आनन फानन वक्तन फवक्तन ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मिस्टर सईद गेंडे वाले। गेंडे वाले? तो क्या ये अजायब घर से आए हैं? नहीं हम तार घर से आए हैं। बेटी मैं अफ्रीका से आया हूँ, वहाँ बड़ी धाक है मेरी। अब बॉल करा रहे हो क्या? चुप। एक ही फायर में 7 गेंडे हलाक कर दिए थे, 8-3 दिन बाद अस्पताल में चल बसा था। वो तो भाग गया था। चुप। इन्हें आदाब करो बेटी। माशाल्लाह कैसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, मैं ऐसी ही लड़की के ख्वाब देखा करता था। अब्बू उतार दो ऐनक। दिखा दे जलवा। देखा कमाल, लगता है कुदरत ने एक दूसरे के लिए इन दोनों को बनाया है। इसको कहते हैं चोटे हैं दू बदू की। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जी। लेकिन आनन फानन वक्तन फवक्तन मुझे ये रिश्ता ना मंजूर है। टेल मी द रीजन ओए। इसलिए कि तुम्हारे बेटे की आंखें टेढ़ी है। तो क्या हुआ, लड़के की सीरत देखी जाती है और लड़की की सूरत। तुम्हारी बेटी की तिरछी आंखों ने तो उसकी सूरत ही बिगाड़ दी है। शट अप।
खबरदार जो मेरी बेटी की आंखों को तिरछा कहा, यू ब्लडी फूल। अब्बा डर गए? अरे जा जा अकलौती बेटी वाले, ऐसी बेटी पैदा करने से तो बेहतर था तुझे बिजली टूट पड़ती, तुझे हैजा हो जाता। खामोश उठे, निकल जा बाहर बंदा, मैं तुझ पर अपने पुत्ते छोड़ दूंगा, पुत्ते मैं तुझ पर अपना पप्पू छोड़ दूंगा। अरे चलो जा, खामोश है क्या कुत्ते के बच्चे? के लिए और क्लब के रेपुटेशन के लिए पीछे हट जाते। याद रखो, मेरी मर्जी के खिलाफ हर इरादे, हर ख्वाहिश और हर जज्बे को मैं कुचल देने का आदी हूं। जीना चाहते हो तो मेरे हुक्म पर चलना सीखो। गैरत! ओ जूलिया, बड़ी जालिम हो तुम, कहां रही इतने दिनों? एक मिशन पे बैरूत चली गई थी और एक उलझन लेकर लौट आई हूं। तुम तो खुद एक मजबूत जाल हो मेरी जान, तुम कैसे उलझे? मैं, मेरा एक साथी एक मिशन लेकर यहाँ आया था। फिर क्या हुआ? एक रात साहिल पर जब हमारी मोटरबोट जा रही थी तो कोस्ट गार्ड ने गोली चला दी और मेरा साथी उस गोली का निशाना बन गया। ओह, वेरी सैड। अब प्रॉब्लम ये है कि जो माल इस मुल्क से लेकर जाना था वो मेरे साथी के अलावा किसी और को नहीं मिल सकता और ये मर चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जिंदा है तो शायद तुम ड्रंक हो, इसने तो आखिरी हिचकी भी मेरे सामने ली थी। मगर कल रात ये मेरे साथ था। ये तुम क्या कह रहे हो शहजाद, तुमने तो मुझे पगल कर दिया है। तुम चाहो तो इससे मिला भी सकता हूँ डार्लिंग। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स मेरी जान, मगर कीमत मैं अपनी मर्जी से वसूल करूँगा। शहजाद, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? ये नौजवान तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, तुम्हारे कदमों में होगा, तुम मुझे आजमाओ तो सही मेरी जान। लड़कियां खुद नहीं फंसती, फंसाई जाती, उसके लिए हिम्मत, होशियारी और टैक्स से काम लेना पड़ता है, समझे? अरे जनाब, हमने तो होशियारी से भी काम लिया, हिम्मत से भी काम लिया और तशद्दुद से भी काम लिया, लेकिन अपने हत्थे तो एक लड़की भी नहीं चली। ऐसा लगता है तेरे हाथ में औरत की लकीर ही नहीं है। अब मैं क्या मेरे बादशाह, आज हमको सही सही इंफॉर्मेशन दे। मैं क्या तेरे को ऐसा केड़ा जादू है जिद नाल कुड़ियां ठा करके तेरे सीने ना लग जांदियां ने? अबे इस काम में जादूगरी नहीं, कारीगरी चलती है। जहां जब और जहां किसी लड़की से टाकरा हो जाए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दो, अगर वो भी हंसे तो समझो काम बन गया, क्योंकि जहां लड़की हंसी तो समझो फंसी। ऐ तड़कीब ते मैं कल ही लड़ाई सी मेरे बादशाह, फिर आई सामने वेखिया कि एक नौजवान दशीजा स्कलोटी सानू कूड़दी पई है, और मैं क्या गल्ली कोई नहीं मेरे बादशाह, फंसी के फंसी। जल्दी बताओ फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, आई शेरे बबड़ की तरह मैं अगे वधिया और शेर की बच्ची भी अगे वधी है, आई मैं करीब होया, अखा विच अखा पाईया ने, आई एक स्मैल दिती है और नवी उधरों बड़ी भरपूर किस्म की स्मैल दिती है। हमारा मतलब है वो मुस्कुराई। हाँ भाई, यही मतलब है वो मुस्कुराई, आई मैं अगे वधिया, आई हाथ फरे। फिर उसने क्या कहा? ठा करके आवाज आई है, अहीं पीछे मुड़के तके है कि उसका हस्बैंड सोनिया छत्तर लेके खलोता है। ओ मैं क्या मेरे मालिक। एक और फसी जे बड़ी स्पीड से जवान हुई।
रहता है ये प्यार का मौसम, तुम इन बाहों में आ जाओ। कहता है ये प्यार का मौसम, तुम इन बाहों में आ जाओ। है ये प्यार का मौसम, तुम इन बाहों में आ जाओ। कहता है ये प्यार का मौसम। बादल कैसे लहराते हैं, देखो देखो नील गगन पे बादल कैसे लहराते हैं। प्यार की राह पे चलते चलते एक दूजे में खो जाते हैं। कहता है ये प्यार का मौसम। दिल में ना लाओ, कहता है ये प्यार का मौसम, तुम इन बाहों में आ जाओ। रजिया की शादी के बारे में तो मैं आपसे पहले ही हाँ कर चुकी हूँ भाई साहब, मैं तो खुद चाहती हूँ इस फर्ज का बोझ मेरे कांधों से जितनी जल्दी उतर जाए तो बेहतर है। मैं इसीलिए आपसे मशवरा करने आया था कि शादी कब तक हो सकेगी। आप जो दिन चाहे मुकर्रर कर लें, मेरी तरफ से सब तैयारी मुकम्मल। कल ही पिंडी से बरखुरदार शकील का खत आया था कि वो इस महीने के आखिर तक छुट्टी लेकर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसके आते ही ये नेक काम अंजाम पा जाए। ठीक, मुझे कोई ऐसा नहीं। तो फिर शकील के आते ही मैं आपको इत्तला कर दूंगा, शादी की तारीख भी मुकर्रर हो जाएगी। अच्छा, मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। सलाम अलैकुम। सलाम। माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि रजिया बहन की शादी के साथ साथ आफ्ताब भैया की शादी भी हो जाए? रोशन, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन लेकिन माँ, अगर आफ्ताब भैया की शादी होगी तो वो घर की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे,
हारी हुई रकम वापस आ जाए। हाँ हाँ खेलो डाले तब भी तो सारी रात बाकी है। एक पैक बना के कपड़े और बस। वो जो दो तीन कपड़े थे वो मैंने सबके सब नौकरों में बांटे। बाप रे बाप, नौकरों को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगा? नए कपड़े। अम्मी से जो जेब खर्च मिलता था जमा करके आपके लिए सूट लेकर आई हूँ। देखिए पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया है। खैर कोई बात नहीं, ये देख ये कैसी है? बहुत अच्छी है। किसके लिए लेकर आए हैं आप? तेरे लिए। क्यों तकलीफ की आपने? अरे पगली, जब छोटी बहन गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाती है तो भाई उसी वक्त सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये छोटी सी बहन एक दिन गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाकर खुद भी दुल्हन बनकर पराए घर की हो जाएगी। रसिया, जब तुझे सारा घर दुल्हन बनाएगा और तू ये चूड़ियां पहनेगी तो मैं एक कोने में खड़ा हुआ तुझे देखकर बहुत खुश हूंगा। मैं सोचूंगा मैंने अपनी बहन के लिए कुछ तो किया। रजिया, इसे जेवर नहीं भाई का प्यार समझना। आत्मा ठीक नहीं जा रही डार्लिंग। अच्छा इनके साथ मैं भी चलती हूँ, उधर ही जा रहे हैं, मुझे भी ड्रॉप कर देंगे। श्योर श्योर। मेरी लव। बाय बाय। पैसा भी इन्हीं के साथ और लड़कियां भी उन्हीं के साथ। जरा इस पे दस्तखत कर देना डियर। क्या है? सिर्फ 25,000 की रकम जो अभी अभी तुम जुए में हार चुके। वो मैं कल लौटा दूंगा। सिर्फ याददाश्त के। जो कुछ उठाया है वापस वहीं रख दो। मुझे हुक्म दे रहे? नहीं, सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूं। मेरा रास्ता मत रोको, मुझे इम्तिहान में मत डालो। घर मेरा है, यहां की हर चीज मेरी है। मत भूलो कि तुम इस घर के मुलाजिम हो, इसलिए वफादारी को अपना ईमान समझता हूं। और तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम उस बहन के भाई हो जिसकी बारात आने वाली है। ये उस बहन का जहेज है जिसे मां की आरतुओं ने इकट्ठा किया और भाई के हाथ उसे लूट रहे हैं। जबान बंद रखो और आंखें भी।
उसे भूल जाओ, जो कहना चाहते हो उसे दिल में दफन कर लो, मेरे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश मत करो। बदनसीब है जो तेरे रास्ते की दीवार ना बने। हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले सिरे तुम्हारे टुकड़ों पर पला हूं, ये सच है। मगर ये भी सच है कि मुझे तुम्हारे खानदान के नमक का एहसास है, मगर तुम्हें न माँ के दिल का ख्याल है न बहन के सुहाग का। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कुछ नहीं माँ, एक डाकू था, घर लूटने आया था, मगर खाली हाथ चला गया। बेटी, अगर आज तेरी आँख न खुलती तो ये घर लूट गया होता। जिस घर में जवान बहन हो भा, वहां भाइयों की आंखें खुली रहनी चाहिए। आफ्ताब भी तेरे भाई है, शायद आज वो भी जाग गया। रजिया बीबी को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जाओ। रात अगर रोशन की आंख न खुलती तो गजब हो जाता। क्या हो जाता? 30-40 हजार से हमें क्या फर्क पड़ जाता? सिर्फ बन जाता। कहना आसान है मगर बनाना बहुत मुश्किल। रोशन, अगर वो चोर तुम्हें दिन में नजर आ जाए तो पहचान लोगे? पहचान बहुत मुश्किल है। मैं काम पे चल। खुदा खुदा। एक दिन गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाकर खुद भी दुल्हन बनकर पराए घर की हो जाएगी। मारी मैं तो कुछ ना ही बोली।
ऐसी ठीक कर दी है कि साल भर तक इत्मीनान से चलाई जा सकती है। और की गई कोई नुकस नहीं खा? हाँ, अगर आराम से चलाई गई तो कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जिगर जो सारिया गड्डिया आपसे तरह ही चल दिया रही वो तड़ते साढ़े कारोबार का ही बनेगा। और मैं क्या जिगर कल सुन गड्डी विच कदी नुक्स भी छड़िया कर ताकि गाहक साढ़े को नस नस के आंदे रहन। जी मेरा मतलब है पुत्र नाराज ना हो, गड्डियां बनदियां भी रहन ते बिगड़दियां भी रहन, जांदियां भी रहन ते आंदियां भी रहन, लगता रस्सी भी चले। आप कहाँ जा रहे हैं? ओ फिल्म देखन बेईमान, आज अखीरला दिन है। आज महीने का भी आखिरी दिन है, तनख्वाह तो मिलेगी ना? और तेन तनख्वाह की बड़ी फिक्र रही है। और चंगे भले घर च रहना है, बेगम साहब भी तेन पुत्र की तरह प्यार करती है, और फिर भी पैसे नहीं मरिया जाना। जा मैनेजर साहब को ले ले। अरे माँ को पैसा नहीं, बेटे का प्यार चाहिए। अरे रोशन, ये रुपए यहाँ क्यों रख रहे हो बेटे? मैं तो इन कदमों में अपनी जिंदगी रख देना चाहता हूँ। ये तो सिर्फ एक महीने की तनख्वाह है। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि इस घर में अल्लाह का दिया सब कुछ, ये पैसे अपने पास। माँ ये पैसे रख लीजिए, वरना वो सारा पसीना आंसू बनकर बह जाएगा जो मेहनत करते हुए मेरे माँ से टपका है। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटे। बेटा कहा है तो ये पैसे रख लीजिए, वरना कह दीजिए आप मेरी माँ नहीं और मैं आपका बेटा नहीं। तौबा है, जरा जरा सी बात पर माँ के दिल को तलवार की धार पर रख देता है। अरे पगले, तू तो मेरा वो बेटा है जिस पर मेरी ममता फख्र कर सकती है। आफ्ताब जैसे बेटे तो खुदा हर माँ को दे देता है, तो जैसा बेटा किसी खुश नसीब माँ को ही देता है। अम्मी, ये जैसा बेटा। अम्मी, ममता का भाव इतना ना गिराइए कि बेटों को माओ से नफरत हो जाए। आफ्ताब, जिसे खुदा ने ठोकरों में डाल दिया है उसकी तरफ इतना ना झुके अम्मी के जमीन की खाक आपके चेहरे पर आ लगे। वो तो नशे में लटका रहा है और मुझे नसीहत कर रहा है। मैं कहती हूँ समझ जा आफ्ताब, समझ जा, वरना किसी ऐसा गिरेगा फिर उठ ना सकेगा। गिर जाने दीजिए, जिसे माँ ने दिल से निकाल दिया हो, जिसके लिए माँ की जबान हमेशा जहर टपकाती हो, वो बेकार नशे की गोद में पना ना ले तो और कहाँ लेगा। मैं फजूर बेटे का नहीं, माँ का है, माँ का। और मैं तुझे भी देख लूंगा कालिए, जाने काम से आ गया साला। कितनी बदनसीब, कितनी बदनसीब बाबू, सच्चे सच्चे की बाप बनी। माँ, आफ्ताब भैया की बातों का दिल पर असर ना लीजिए, वो होश में है। जाइए आराम कीजिए, जाइए ना। डैडी, आपको तो मौत ने सुकून दे दिया, मगर मेरी जिंदगी में बेचैनी के सिवा कुछ भी नहीं है। आप बाप की शफकत लेके मर गए और माँ की ममता एक नौकर ने छीन ली। ऐसा न कहो भैया, तुम निकल जाओ यहां से। चला जाऊंगा, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही कि माँ की तरह मैं भी तुम्हें अपने दिल में जगा दे लूं, तुम्हें भाई कहकर अपने गले से लगा लूं, तुम्हें वो मर्तबा दे दूं जो सिर्फ खून के रिश्तों को दिया जाता है। नहीं आपका, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं तुम जो जी चाहे मुझे कह लिया करो, बस माँ जी से जलती हुई बातें ना किया करो आपका, उनके दिल पर बोझ सा पड़ता है। माँ के हमदर्द बनकर मुझ पर तंज कर रहे हो या इस बात पर इतरा रहे हो कि तुमने एक बेटे से
उसकी माँ का प्यास छीन लिया है। अपने सियाह चेहरे को लेकर इस घर से दौड़ निकल जा रोशन। उदय दिन आएगा मैं तुम्हें। वो दिन आने से पहले ही मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस घर से चला जाऊंगा। मगर इतना जरूर है आफताब, मैं बेसहारा हूं, गरीब हूं। मांग तो सकता हूं, किसी से कुछ छीन नहीं सकता। मैं कहता हूं चला जा यहां से। चला जाता हूं, मगर खुदा के लिए मेरे बारे में अपनी राय बदल डालो आफताब, वरना दुनिया के किसी बड़े घर में कभी किसी यतीम और मजबूर बच्चे को सहारा न मिल सके। मैं तुम्हारे घर से यूं निकल जाऊंगा आफताब, जैसे किसी गरीब की आंख से आंसू। रोशन भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं इस घर से जा रहा। क्यों? भैया की खुशी के लिए। उसे इस घर में मेरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी। तू तो खुद इस घर में मेहमान है पकली, चंद दिनों के बाद चली जाए। और आज वाला दिन अगर फिर आया तो फिर मुझे कौन रोकेगा? मुझे जाने दे। नहीं भैया, अम्मी। अच्छा, जो पत्ता दाल से टूट गया उसे हवा के साथ उड़ जाने दे। रसिया, माँ से कह देना आज खुदा ने एक बार फिर मुझसे मेरी माँ छीन ली। रोशन, रोशन, तू तो मुझे तसल्लियां दे रहा था कि आफताब होश भी नहीं है। तू खुद उसकी बातों का बुरा मानकर मुझे छोड़कर जा रहा है, ये तो सोच लिया होता कि तेरे जाने से पहले मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन माँ, बेटे, रोशन, जिससे मैं दुनिया से चली जाऊं, बेशक इस घर से चले जाना। आफताब भैया की नफरत मुझे घर छोड़ने पर मजबूर करती है, अगर मगर माँ आपका प्यार हर बार मेरे पांव की जंजीर बन जाता है, मुझे माफ कर दे माँ। बहुत सोच विचार के बाद किया है। मैं समझा नहीं। तुम नहीं जानते, अय्याश आदमी का जहन हमेशा बेहतरीन साजिश कर सकता है, और जवारी जुर्म करते हुए घबराता नहीं। आफताब अय्याश भी है और जुआरी भी, साजिश भी कर सकता है और जुर्म भी। वो जूलिया के मिशन को बेदिली से पूरा करे या खुशी से, उसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। अगर उसने आपके रुपए वापस कर दिए तो? वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इंसान को दूसरे का रुपया खर्च करते वक्त तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन वापस करते वक्त पछतावा जरूर होता है, और आफताब भी कल की हार पर जरूर पछता रहा होगा। आफताब आओ, तुम जाओ। इस वक्त कैसे आ गए? दरअसल शहजाद, मैं तुमसे कहने आया था कि जो पैसे मैंने कल तुमसे लिए थे वो अगर चंद दिन। अरे कोई बात नहीं यार, दोस्तों का हिसाब दिल में हुआ करता है। शहजाद, आज मैं तुम्हारी दोस्ती पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। शायद तुम्हें जिंदगी में कोई दोस्त मिला ही नहीं। कभी वक्त आया तो मैं भी तुम्हें दोस्त बनकर दिखाऊंगा शहजाद। लो, दोस्ती के नाम पे पियो, और दोस्ती का इम्तिहान फिर कभी लेंगे। चीयर्स। तुम वो पहली लड़की हो मेरी जिंदगी में जिसे मैंने दिल से प्यार किया। झूठे कहेंगे। आज पकड़ी गई ना रजिया। तू कब आई? मुझे तो पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता? तू यहाँ थी कहाँ? कौन था? कहाँ? दिन में जिससे बातें कर रही थी। छुपाओ नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हारे मन में जरूर कोई चोर है। ये तो बता, बात कहाँ तक बढ़ी? तू अपनी सुनाना, तेरा क्या बना, कब आ रहे हैं तेरे सपनों के राजा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, और आते के साथ तेरी शादी भी हो जाएगी। तेरी बात तो बन गई, अब अपना क्या बनेगा मुझे खुद मालूम नहीं। अरे पगली, क्या पहेलियां बुझा रही है, खुलकर बात कर
नहीं तो मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। लुटकी मेरी तो सारी बातें पूछ लेती है और अपनी कोई बात नहीं बताती जब मैं नहीं तुझसे बोलती। बता दू, जल्दी बताना, तुझसे क्या छुपाऊं? बात प्यार ही की है वो तो मुझे पता है, लेकिन वो है कौन? वो चौदहवीं का चांद है या आफताब है, जो भी है वो खुदा की कसम लाजवाब है। सीमा, क्या वो भी तुझे इतना ही चाहता है? हाँ रजिया, वो भी मुझे टूट कर प्यार करता है। दिल वालों एक काम करो, दिल दिल भर के नाम करो, दिन को गुजारो जुल्फों में और मैं खाने में शाम करो। दिल वालों एक काम करो, कलियां चूमो सागर तोड़ो, कलियां चूमो सागर तोड़ो, गुमनामी का जीना छोड़ो, कोई तुम्हें पहचान सके खुद को जरा बदनाम करो। दिल वालों एक काम करो, जब अच्छी देखो उसके कदमों में दिल रख दो। सूरत जब अच्छी देखो उसके कदमों में दिल रख दो, दिल में किसी के घर कर लो और बाहों में आराम करो। दिल वालों एक काम करो, चेहरे को फूल बना दो, धड़कन में एहसास जगा दो। हर चेहरे को फूल बना दो, धड़कन में एहसास जगा दो, प्यार की प्यासी दुनिया में प्यार की दौलत आम करो। दिल वालों एक काम करो, दिल दिल भर के नाम करो, दिन को गुजारो जुल्फों में और मैं खाने में शाम करो। दिल वालों एक काम करो।
ज्यादा था, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुमने रुबीना की जिंदगी खत्म कर दी। नहीं, नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। तुम अब भी होश में नहीं हो। तुम्हारी जबान इनकार कर रही है मगर दिल पछता रहा है कि तुमसे ये खून कैसे हो गया। खून नहीं शहजाद, मैंने खून नहीं किया। मगर खून फैला हुआ, ये बिखरा हुआ माहौल बता रहा है कि तुमने रुबीना के जिस्म तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, नाकाम होकर झुंझला गए और नशे में डूबा हुआ जहन खून में डूब गया। नहीं, खून नहीं किया। घबराओ नहीं, तुम एक दोस्त के सामने खड़े हो, कानून के सामने नहीं। मैं इस लाश को भी ठिकाने लगा दूंगा और तुम्हारे जुर्म को भी अपने सीने में दफन कर लूंगा। जाओ कोई आना जाए और अपने चेहरे से एक कातिल की घबराहट को खुश डालो। मैं खून का हर निशान मिटा दूंगा। जाओ कोई आना जाए। जाओ मगर खून फैला हुआ, ये बिखरा हुआ माहौल बता रहा है कि तुमने रुबीना के जिस्म तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, नाकाम होकर झुंझला गए और नशे में डूबा हुआ जहन खून में डूब गया। ये बिखरा हुआ माहौल बता रहा है कि तुमने रुबीना के जिस्म तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, नाकाम होकर झुंझला गए और नशे में डूबा हुआ जहन खून में डूब गया। कानून के सामने नहीं, मैं इस लाश को भी ठिकाने लगा दूंगा और तुम्हारे जुर्म को भी अपने सीने में दफन कर लूंगा। जाओ कोई आना जाए और अपने चेहरे से एक कातिल की घबराहट को खुश डालो। मैं खून का हर निशान मिटा दूंगा। इन हालात में अब वो मेरे इशारों पर नाचेगा। हैंड्स अप। आखिर पकड़े गए ना? क्यों, मैंने क्या किया है? जुर्म। जुर्म कैसे? जुर्म जानना चाहते हो? अबे मुझसे ना मिलने का। रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं, तुमने तो मुझे डराई दिया। अरे मैं आंटी से मिलने आया था, वो तो घर पे है नहीं, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। अरे हाँ, रात तेरे साथ लड़की कौन थी क्लब में? लड़की? कौन सी लड़की? आज एक ऐसी लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जो रात क्लब तेरे साथ देखी गई थी।
लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे। मुझे कुछ याद नहीं है। देखो ये एक लड़की हो तो तुझे याद भी हो ना। ओके बाय बाय, मैं चलता हूँ। जानते हो अगर आफ्ताब हमारे फंदे में आ गया तो हमें जूलिया से 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख? क्या हुआ? बहुत ही बुरी खबर है। क्या फिर किसी का खून कर रहा है? पुलिस ने रुबीना के कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी है। हर कत्ल के बाद तफ्तीश करना पुलिस का फर्ज है, इसमें घबराने की क्या बात? तुम समझते क्यों नहीं, अगर अगर पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो गई तो खून उछाल चुके हो तो पत्थर बन जाओ, मौन बने रहे तो कानून की आग जैसी नजर तुम्हें पिघला डाले। ना मैं पत्थर बन सकता हूँ और ना मौन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तो सिर्फ इतना कि उन रास्तों को भूल जाऊं जिन पर चढ़ते हुए मैं नशे में लड़खड़ाया और किसी के खून में डूब गया। मुझे इस माहौल से, यहाँ की दिलचस्पियों से, यहाँ के दोस्तों, यहाँ के साथियों, यहाँ के सहारों से नफरत हो चुकी है। आपका दर्द इतना ही बढ़ चुका है दुखी होने। जब तक मैं जिंदा हूँ कानून तो क्या तकदीर भी तुम्हारे दाम पर खून के धब्बे तलाश नहीं कर सकेगी। मुझे दिलासों के भार में न डालो शहजाद, मैं इतना टूट चुका हूँ कि अब यहाँ एक पल भी रहा तो बिखर जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब। अब क्या होगा सर? इसे फड़फड़ाने दो, उड़ना चाहेगा तो गिर पड़ेगा। आफ्ताब क्या है? सारी रात परेशान रहे हो, इस वक्त भी परेशान दिखते हो, बात क्या है? तुम्हें से क्या? तुम्हें परेशान देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। हमदर्द बनने की जरूरत नहीं। देखो आफ्ताब, खोटा पैसा भी किसी वक्त काम आ सकता है। तो अपनों को बताए जाते हैं, गैरों को नहीं। मैं खैर सही, किसी को तो अपना समझते हो कि उससे अपना दुख कह दो। जो अपने हो वो दिल का दुख बांट लेते हैं, अपने फिर अपने होते हैं आफ्ताब। कौन अपना है और कौन बेगाना ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम जा सकते हो। बहन न जाने भाई से क्या मांगने आई है। अरे तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आनन फानन वक्तन बवक्तन माँ को अपनी बहू बनाकर इस घर से अपने घर मुंतकिल कर सकती हो। बिल्कुल सच। तुम जाकर आफ्ताब से कहो कि वो दूल्हा बन जाए और मैं सीमा से कह देता हूँ कि वो दुल्हन बन जाए। डैडी। हाँ बेटे, मुबारक हो। भाईजान ने सीमा रास्ता का रिश्ता। जी मैं सुन चुका हूँ। तुम्हें हमारा फैसला सुनकर खुशी हुई होगी। जी नहीं, मुझे दुख हुआ। क्या कह रहे हो तुम? आंटी, आफ्ताब को आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, और जमाना भी इस बात का गवाह है कि उसकी गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी, नशे में लड़खड़ाते हुए कदम, इज्जतों से उलझे हुए हाथ हरगिज़ इस काबिल नहीं कि वो किसी की जिंदगी का सहारा बन सके। शाकिर बेटे, एक बेटी की माँ बनके सोचिए आंटी, अगर सीमा आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे अंधे कुएं में गिरा सकती थी? जवाब दीजिए आंटी, आप अपनी बेटी का मुस्तकबिल शराब में गर्क कर सकती है, क्लब के फर्श पे बिखरा सकती है, अवस के अंधेरों में गुम कर सकती है। शाकिर बेटे, क्लब, डांस, ड्रिंक आजकल की मॉडर्न जिंदगी का हिस्सा है। मैं जिंदगी को जिंदगी नहीं मौत का नाम देता हूँ। डैडी, आप अपनी बहन का दिल रखने के लिए मेरी बहन की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते। किसी का दिल टूटे या किसी रिश्ते की आंख में आंसू आए, मैं सीमा और आफ्ताब की शादी नहीं होने दूंगा। आफ्ताब, आप इस वक्त कहां से आ रही हैं? जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं समझा नहीं। तुम समझ जाते तो ये दिन कभी ना था। आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम जैसे बेटे की माँ को परेशानियों के सिवा मैं भी क्या सकता है? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपने भाई के पास तुम्हारे लिए सीमा का रिश्ता लेने गई थी, उम्मीद लेकर गई थी, मायूस होकर लौटी। शराब और जुआ इससे भी कुछ आगे, आवार की तुम्हें जहाँ ले गए उनके इल्म में, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं तुम्हें वो फैसला सुना रही हूँ जो तुम्हारी आवारगी की सजा भी है
और मेरे अरमानों की तोहीन भी। मैं वो बदनसीब बहन जो आज अपने भाई के दर से खाली लौटी, वो बदकिस्मत माँ हूँ जो बेटे का चेहरा तो देख सकती है, चेहरा नहीं। आता काश तू पैदा होते ही मर गया होता। अगर आप किसी के फैसले को मेरी तकदीर समझकर लौट आई हैं, तो ये भी सुन लीजिए, दिल के फैसले जमाने के फैसलों से ज्यादा मजबूत होते हैं। मैंने और सीमा ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है हमें, अब ये सांस टूट सकते हैं मगर ये कसम नहीं टूटेगी। फैसला बहुत सोच समझ के किया है सीमा, चलो मेरे साथ। तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन मैं लड़की हूँ, बेबस और मजबूर। मजबूरी तुम्हारी आरज़ुओं का खून कर देगी। यही मेरी बदनसीबी है। उस दिली को बदनसीबी का नाम ना दो सीमा, मोहब्बत में डरना नहीं, सिर्फ जिंदा रहना और मरना सीखा है। और आज मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने का फैसला करके आए, चलो मेरे साथ। इतना बड़ा फैसला करने से पहले ये तो सोचा होता कि मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं, एक बाप की बेटी और एक भाई की बहन थी। तो मैं समझ लूं कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, मुझे गलत ना समझो आता। मेरी मोहब्बत में न कमी आई है और ना आएगी, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारे घर वाले ऐसा नहीं होने देंगे। हालात और वक्त के साथ बड़े बड़े फैसले बदल जाते हैं। मैं भैया को समझाऊंगी, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब उनके सामने मेरी जिंदगी और मौत का सवाल आ जाएगा तो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए वक्त का इंतजार करो। अच्छा तुम जल्दी से चले जाओ, खुदा के लिए चले जाओ ना, बदनामी और रुसवाई का दाग बनकर रह गए तो जी भी ना सकूंगी, मर भी ना सकूंगी। बहुत कुछ सोच कर आया था। जो तुमने सोचा है वही होगा, इस वक्त मेरे खातिर हालात से समझौता कर लो प्लीज आफ्ताब। खातिर तो मैं अपनी मौत से भी समझौता कर सकता हूँ। में कहां से आ रहे हैं? तुम्हें बताना जरूरी है। आज इस घर में जो तूफान आया हुआ है उसने मुझे हिला कर रख दिया। दादा हमदर्दी जताने की कोशिश ना करो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द भी तो है। आई से गेट आउट। और मेरी जान, सिर्फ चंद रोज और, उसके बाद तुम्हारी तन्हाई भी खत्म हो जाएगी और मुझे भी जूलिया से 10 लाख रुपए मिलेंगे। मगर मुझे बताओ तो सही कि जूलिया तुम्हें 10 लाख रुपए किस काम के लिए दे रही है? वो चंद ऐसे कागजात हासिल करना चाहती है जिन पर इस मुल्क की सलामती की तफसील लिखी हुई है। आफ्ताब वो कागजात लाने जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम 10 लाख रुपए के लिए वतन से गद्दारी कर रहे हो। वतन? वतन से ज्यादा मुझे अपने मुस्तकबिल से प्यार है दादी। दुआ करो मैं कामयाब हो जाऊं, फिर वो रात जल्द आए जब तुम्हारा जिस्म सुहाग के फूलों में लिपटा हुआ मेरी आगोश में आ गिरे। काश
वो रात जल्द आए। अम्मी, शायद कल की बातों का आपके दिल पर बहुत असर हुआ है। अम्मी, अगर आपने सीमा को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है तो वो अपने घर वालों को छोड़कर इस घर में आपकी बहू बनकर आ सकती है। मैं सच कहता हूं अम्मी, कोई इनकार कोई पहरा ना मेरा रास्ता रोक सकता है और ना सीमा का। आफ्ताब, मैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश? मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि अंधेरे से रोशनी की उम्मीद रखूं। मां होकर बेटे से इतना मायूस हो चुकी है। अम्मी, आफ्ताब अब अंधेरों से निकल आया है। मैं वो नहीं हूं जो था। अब तो खुश होकर मुझे अपने गले लगा लीजिए ना। अपनी प्यार भरी नजरों से एक बार तुम एक तरफ देखिए। देखिए तो सही, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं अम्मी। शरीर कहीं का। अब तो खामा कहीं नाराज हो जाती। सीमा बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे आंसू पोंछती, मेरे दर्द को अपने सीने में समेट लेती। आपसे क्या कहूँ, क्या शिकायत करूँ? आपने तो अपने एक फैसले पर बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दी है। तुम क्या कहना चाहती हो, ये मुझे इस किताब में रखी हुई तस्वीर को देखकर मालूम हो गया है बेटी। तस्वीर? कैसी तस्वीर? क्या मालूम हो गया है? यही कि तुम जज्बात के सहारे अपने बाप और भाई से बहुत दूर चली गई हो। मैं तुमसे इस वक्त एक बात पूछने आया हूं बेटी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम आफ्ताब को भूल जाओ? बेटी, तुमने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। आंसू पोंछ डालो। तुम्हारी खुशी के लिए हम अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गए हैं बेटी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी और खुशियां मुबारक हों। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटी, दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उसी की तस्वीर जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है। मुझे नहीं मालूम। अम्मी जान तो बड़ी तारीफें कर रही थी कि पिंडी में उसका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ी कोठी है, सूरज शक्ल का बहुत अच्छा है। मुझे रिश्ता पसंद है। समझ गया। दिल्ली दिल में बहुत खुश है। फिक्र ना कर, तेरी शादी ऐसी धूमधाम तरीके से करूंगा ना कि सारा जमाना देखेगा। जब तेरा मियां बैंड बाजू के साथ इस घर में आएगा तो वो रिसेप्शन दूंगा कि वो तो वो तू ही सारी जिंदगी याद करेगी। अरे तेरी शादी में मैं नाचूंगा गाऊंगा। सजने लगे साज
तुम बड़े अजीब आदमी हो। मैंने तुम्हें कितने टेलीफोन किए लेकिन तुम्हारा तो कहीं पता ही नहीं। यार बस थोड़ा मसरूफ था, तुम्हारा पैगाम मिलते ही चला है। कहो कोई खास मसला है? हाँ, जिसे सिर्फ एक दोस्त हल कर सकता है। यार मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो एक उलझन लेकर मेरे पास आई। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सुलझा दो। मुझे क्या करना होगा? एक छोटा सा जुर्म। जुर्म? हाँ। मगर क्यों? मेरी जिंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है। बताओ, तुम मेरे अजीज तरीन दोस्त हो, इसलिए मैं ये काम तुम्हारे सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं दुश्मनी समझता हूँ, जो दोस्त का हाथ पकड़कर उसे जुर्म के रास्ते पर ले जाए। आपका मैं माफी चाहता हूँ शहजाद, तो मुझे भी भूल जाओ और मेरी दोस्ती को भी। लेकिन इसे कैसे भूल जाओ? कागज पर किसी के खून की तरह जमी हुई ये तस्वीर तुम्हारे जुर्म की तारीख भी है और मेरी दोस्ती का सबूत भी। याद रखो आफ्ताब, या मैं दुश्मन हूं या दोस्त, दरमियान में कुछ नहीं। मगर मेरी जबान खुल गई तो ये तस्वीर बोलने लगेगी, और ये तस्वीर बोलने लगी तो कानून की एक ही ठोकर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। बोलो, मेरे दोस्त बनोगे या अपने दुश्मन बनोगे? मुझे करना क्या होगा? एक ऐसा सफर जिसमें कानून और मौत कांटों की तरह बिखरी होगी। तुम्हें दामन बचाकर भी गुजरना होगा और हिम्मत से भी काम लेना होगा। अब तुम आफ्ताब नहीं रुमेल हो, और तुम्हें दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा। मुझे मालूम है, मेरा कोड नंबर 202 है, और जब सेठ कादिर सिगरेट पेश करेगा तो मैं अपना लाइटर निकालकर पहले अपनी सिगरेट जलाऊंगा और बाद में उसकी। और इसमें जरा सी भी भूल हुई तो उसे शक हो जाएगा, ऐसी सूरत में वो तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देगा। याद रखो, सेठ कादर इंतहाई चालाक और खतरनाक आदमी है। कंपनी के मालिक मिस्टर कादिर से मिलना है। आपका नाम? रोमेल। सर, मिस्टर रोमेल आए हुए। ओके सर। आइए। थैंक यू। रुपा सर, बस कंट्री में भी जाता हूं वहां की जबान मेरी मादरी जबान बन जाती है। गुड गुड।
क्या बात है डार्लिंग, क्या सोच रही है? आफ्ताब और बशीरा अभी तक वापस नहीं आए। रास्ते में अगर कोई गड़बड़ ना हो गई तो शाम तक वापस आ जाए। आफ्ताब जो कुछ लेने गया है अगर उसका पता पुलिस पे लग गया तो उसकी जिंदगी और हमारे कारोबार दोनों को बहुत खतरा है। खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है मेरी जान। पुलिस चेकिंग कर रही है और हमें खतरा है। हिम्मत से काम लेना आफ्ताब, हमें हर रुकावट को तोड़कर निकलना होगा। स्टेशन पर उतर जाऊंगा तो फिर इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है मिस्टर, ऐसे में उतरूंगा तो जान जाने का खतरा है। तुम्हारा मेरे लिए यहाँ ठहरना बहुत बड़ा खतरा है। क्या छुपा रही? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो अपने भैया से भी? अच्छा बता तेरे हाथों में क्या है? मेरी तकदीर। तकदीर? फिर तो मैं जरूर देखूंगा। नहीं, 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 नहीं भैया। ये तकदीर? अरे ये तो तेरा होने वाला। भैया ये बुरा शगुन तो नहीं? अरे पगली, तकदीर तस्वीर में नहीं, खुदा के हाथ में। लेकिन भैया मेरा दिल डूब रहा है। वो इतनी छोटी छोटी बातों का दिल पर असर न लिया कर, पहले ही तू दिल की मरीज है। चल आ जा। और याद रखो
मुलजिम का बायां शाना जख्मी है। और दर्जी दूल्हा का जोड़ा लेकर तक नहीं आए, तुम पता करो बेटे। अभी हाँ सुनो सुनो, वो आफ्ताब का पता चला? मैं उसके पीछे क्लब भी गया था माँ, वो वहाँ भी नहीं। चक्रम तू बाहर भी झंडिया लगा दीजिए। अच्छा पता दोस्तों के यहाँ भी नहीं है, क्लब में भी नहीं है, अल्लाह इसे मत देगा। साहब जी टायर पंक्चर हो गया, आप कोई दूसरी गाड़ी ले ले। और याद रखो उस मुलजिम का बायां शाना जख्मी है। जोल्डन 872 गुलबर्ग की साइड पर भागा है। जी 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 जी, चारों तरफ से गुलबर्ग को घेर लिया जाए। तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, चला थाने। थैंक यू आफ्ताब, आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। बैठो, आज इसी खुशी में एक इंतजाम हो जाए। नहीं शहजाद, मैं घर जाऊंगा, आज मेरी बहन की बारात आने वाली है। ओ, इसका मतलब है आज तुम्हारे और मेरे लिए खुशी एक साथ आई है। ये लो। ये किस लिए? बहन की बारात आने वाली हो तो भाई खाली हाथ जाते अच्छे नहीं लगते। बहन के हाथों पर मैं अपने लहू की सुर्खी तो सजा सकता हूँ शहजाद, लेकिन जुर्म की कमाई से खरीदी हुई मेहंदी नहीं लगा सकता। शुक्रिया। अरे बख्शू बाबा, रोशन दर्जी से कपड़े लेने गया था, आ गया? जी नहीं। आइए साहब, आते। क्या हुआ? कुछ इसे चोट लग गई थी। इतने दिनों से कहाँ गायब हो? बहन की शादी है और भाई घर से गायब है। मैं माफी चाहता हूँ अम्मी, दरअसल मैं एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर गया था। अब बताइए क्या बंदोबस्त करना है, क्या क्या तैयारी करनी है? आप कोई कुछ ना करें, तकदीर को जो कुछ कर रहा था वो कर चुकी। भाई साहब आपकी आंखों में आंसू, रोक सकती हो तो अपने आंसू रोक कर खबर सुन लो कि मेरा बेटा रजिया का होने वाला शहर अभी दुनिया में नहीं रहा। शकील की लाश घर पहुंच चुकी है, वो सफर के दौरान ट्रेन से गिरा और मेरे दिल की तरह कुछ ना गया। क्या हो दीदी? अब ना रजिया मेरी बहू बन सकती है, क्या शकील आपका दामाद। बेगम साहबा, बेगम साहबा, जल्दी सारी बेबी को कुछ हो गया। रजिया, रजिया, आगे खुलो बेटे। क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ इसे? शकील मैं की मौत का सुनकर इनके दिल पर असर हुआ है। चल एक गिलास पानी लेकर आओ। रजिया, रजिया बेटे, हिम्मत करो बेटे। आपका लड़का ट्रेन से गिरा कैसे?
यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अखबार में तो यही लिखा है। तुम आ गए। मुझे मुझे इस घर से रुखसत होना ही था भैया। भाई भाई तो बहनों की डोली विदा करते हैं ना भैया। मुझे विदा करो, मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं। डॉक्टर साहब आने वाले हैं। मैं जा रही हूँ। भैया भैया मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। कैसी है बेटी मेरी? डॉक्टर की जरूरत नहीं मां। क्या नहीं? कौन था वो? मुझे कुछ मालूम नहीं वो कौन था। मैं हर किस्म की सजा भुगतने को तैयार हूँ। आपको जो सजा देनी हो मुझे दे, मुझे दे, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। आफताब, तेरी गुमराह जिंदगी ने आज बहन का सुहाग भी उजाड़ दिया। तू बहन का कातिल है, तू समाज का दुश्मन है, तू प्यार का कातिल है। तूने हर रिश्ते का चेहरा बिगाड़ दिया आफताब। तू इंसान नहीं शैतान है। तेरा हर रूप नफरत के काबिल है, तेरा हर रूप नफरत के काबिल है, नफरत के काबिल है, नफरत के काबिल है। तो कानून के हाथ भी उस तक पहुंच सकते। मैंने आंटी को फोन कर दिया है, वो तुम्हारी इस हरकत पे बहुत परेशान है। आंटी, इसे मां की जुबान में पूछिए जो कुछ मैं पूछना चाहता हूं, वरना मैंने कानून की जुबान में पूछा तो आपको भी रंज होगा और इसे भी तकलीफ होगी। ये तुमने क्या किया बेटे? क्या किया? बेटी तो मनन मिट्टी के नीचे दफन हो गई है और बेटा मुझे बन के इंतजाम के पीछे खड़ा है। रजिया बहन की मौत, रजिया की मौत तो मेरे दिल का स्वरूप बन गया है। और अगर तुझे कुछ हो गया नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। बेटे वो कौन है जिसकी पुलिस को तलाश है? बता दे, बता देना। मुझसे कुछ ना पूछो माँ, मुझसे कुछ ना पूछो। मुझे शाकिब ने बताया वो कौन का मुजरिम और मादरे वतन का कातिल है। बेटे उसके पास कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे कागजात हैं जो अगर दुश्मन के पास पहुंच गए तो मादरे वतन का सर झुक जाएगा और तेरी माँ भी बेअब्रू हो जाएगी। रोशन, रोशन वो कमबख्त जमीन को बेचना चाहता है जिस पर आज तेरी बहन की कब्र बनी है, कल तेरी माँ की कब्र बनी थी और एक दिन मुझे भी उसी की गोद में जाना है। देख बेटे, बता दे, बता दे बेटे, बता दे बेटे, बता दे बेटे वो कौन है। आंटी, ये क्यों नहीं बोलता? आई मैं आपको बताता हूँ। आज एक गुनाहगार के लहजे में जवाब दे, तूने वतन की खाक, सुहागनों की झूमर, बहनों की आबरू और भाइयों का लहू किस दिल से बेच डाला? शराब और आवारगी ने तुझे इस मकाम तक क्यों पहुंचा दिया है जहां तूने दुश्मनों की दहलीज पर कौम के किरदार का स्थल रख दिया? तुम्हें किसी ने बहका दिया है मां? मैंने कह दिया है सब कुछ झूठ है। ये सब सच है, तफसील मुझे शाकिर ने बता दी थी। मेरा नाम तेरे शख्स ने बता दिया है। बताओ कागजात कहां है और कौन की किस्मत और वतन की सलामती लिखी है? बताओ मुझे, बता,
खामोशी के कब्र में उतर गया है तो मैं तुझे लाश समझ कर ठाकर मारती हूँ। वो बदनसीब बेटा है जो चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरा पे साया है पुरियान का। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन। यही वो कागजात है जिनमें इस मुल्क के तमाम खुफिया राज मौजूद हैं। दो संभालो इन्हें। कागजात छुपाने के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया तुमने। ये भी अजीब मुल्क है जहाँ आफ्ताब जैसे लोग अपने मुल्क से गद्दारी कर जाते हैं। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है डार्लिंग कि आफ्ताब हमें मिल गया। तुम जिंदा हो? मेरी मौत शहजाद का फरेब थी, मेरा कोई गुनाह नहीं है। उसने मुझे अपने तहखाने में बंद रखा था। आज बड़ी मुश्किल से उसके कैद से छूटकर भाग गया हूँ। शहजाद कहाँ है? वो कहाँ है शहजाद? उधर तहखाने में है। चलो, वतन परस्ती की जो लहर इस मुल्क में आई है यकीनन वो हर गद्दार को बहा ले जाएगी। यकीनन अब इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं रहेगा। अपनी पथराई हुई आंखों से मुझे नहीं इस बदकार औरत को देखो जिस पर तुमने मेरी बुजदिली की बुनियाद रखी थी और मुझे बड़े से बड़ा जुर्म करने पर मजबूर कर दिया था तुमने। होश में आओ आफ्ताब। होश में आया हूँ तभी तो पहचाना है तुम्हें। आज तुम्हारे सामने वो आफ्ताब खड़ा है जो अपने माजी का पछतावा भी है और तुम्हारे गुनाहों की सजा भी। तुम चाहते क्या हो? मैं अपने वतन के खुफिया कागजात वापस लेने आया हूँ। दिलाता हूं
कि मैं ही वो मुजरिम हूं जिसे मेरे वतन का कानून तलाश कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। आप मुझसे सच बोलने का हलफ ले चुके हैं वकील साहब। आपको मुझ पर जिरह करने का कोई हक नहीं, और अगर जिरह ही करनी है तो इन कठेरों में खड़े हुए मुजरिमों को कसम देने की रस मिटा दीजिए। क्या फायदा उस हलफ का, क्या फायदा उस कसम का जिस पर यकीन नहीं किया जाता, जिरह की जाती। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन था जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी गाड़ी में बैठा और पुलिस के पहुंचने पर गायब हो गया? वो मेरा बाजू था, मगर मैं हैरान हूं कि जब मैंने अपनी शहरग ही कानून की तलवार के सामने रख दी है तो फिर कानून मेरा बाजू काटने पर क्यों आमादा है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम किसी जज्बाती रिश्ते को बचाने के लिए या किसी पुराने एहसान का बदला चुकाने के लिए असल मुजरिम को छुपा रहे हो। जैसा मुझे आपसे कुछ कहना है। आप कौन हैं? ये मेरी माँ। जैसा मुझे मेरा बेटा ही है, मगर खातून कानून के सामने रिश्तों की गवाही कोई हैसियत नहीं रखती, और फिर तुम तो एक माँ। वकील साहब, औलाद के बारे में माँ की गवाही तो कयामत वाले दिन खुदा भी तस्लीम करेगा, आप क्यों नहीं मानते? इसलिए कि तुम जमीन के इंसाफ के सामने खड़ी हो, आसमान की अदालत में नहीं। तुम यही कहना चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है? हाँ, ये बेकसूर है, मगर वो गुनाहगार। कौन गुनाहगार है? वकील साहब, ये सवाल मुझसे कीजिए। आफ्ताब मेरे बच्चे। माँ, आज तेरा बेटा शराब पीकर नहीं अपना खून बहाकर लौटा है ना? मुझे सहारा देना, आज मेरे मुंह से शराब की नहीं तेरे दूध की महक आनी है। माँ, मुझे मुझे मेरे मकाम तक ले चलना, ले चल। ये कौन है? मैं इसकी भी माँ हूँ। जज साहब, आफ्ताब मेरी बेगुनाही की गवाही बनकर आए हो तो वापस चले जाओ। जमानत देने आए हो तो मैं अपने जुर्म का इकरार कर चुका हूँ। अपने जख्मों की शिकायत लेकर आए हो तो किसी और अदालत में चले जाओ। आज यहाँ सिर्फ मुझसे इंसाफ होगा, मेरा फैसला होगा। मैं जिंदगी भर हारता आया हूँ आफ्ताब, मगर आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो कब तक मेरे गुनाहों का पर्दा बना रहेगा रोशन? कब तक चलता रहेगा तू? कब तक राह बनेगा तू? परसों का सच है रोशन, आज मुझे पल भर का सच बन जाने दे। जसाल, अब अदालत कुर्बानी की तरफ नहीं, मुजरिम की तरफ देखी। आफ्ताब, मैं नाम का आफ्ताब हूँ रोशन, असल रोशनी तो तू है, सच्चाई की रोशनी। आज तू चुप हो जा और मुझे कहने दे, अब तू जिंदा है, मुझे मत दे। जसाब, ये है वो कागजात जिन पर मेरे खून के धब्बे भी हैं और मेरे वतन की राज भी। ये मेरे मुजरिम होने का सबूत भी है। जसाब देखिए, कागजात तवील में ले लिए जाए। तुमने क्या किया आफ्ताब, तुमने क्या किया? मैंने जो बोया था मुझे को काटना था रोशन। जसाब और मेरे वतन के लोगों, मैं अपनी आखिरी हिचकियों को अपने खून के आखिरी पत्रों पर संभाले आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं वो बदनसीब बेटा हूं जिसे दौलत वैसे में मिली और शराब बाप की शफकत ने पिलाई। मैं उस माहौल में पला जहां मुझ जैसे हजारों को शराब तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामने खड़े रोशन जैसे लाखों इंसानों को रोटी मुश्किल से मिलती है। और नशे के सैलाब में तिरके की तरह बहता हुआ वतन से गद्दारी के समंदर में जा गिरा था जैसा, लेकिन मेरा जमीन नहीं डूबा था जैसा, मेरा एहसास नहीं मरा था। इसीलिए मैं उन लोगों की मौत बन गया जो मेरे वतन के दुश्मन थे। जसाब, ये अलग बात है जसाब कि मैं दुश्मनों का कातिल भी हूं और अपनों का मुजरिम भी हूं। मुझसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा जसाब? मुझसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा? मां, बेटे, बेटे, आफ्ताब, आफ्ताब,
मैं भी कितना बदनसीब हूं मां, तू मेरी जिंदगी पर भी रोती रही और मेरी मौत भी रोएगी। आज तो मुस्कुरा रहे मां, सारी जिंदगी में पहली बार आज ही तो तेरे बेटे ने अच्छा काम किया है और तू रो रही है। रोशन रोशन, तू सारी जिंदगी मुझे भाई का तरह और मैं न माना तेरे सिया चेहरे के पीछे कितना उछला दिल छुपा है, इसे मैं आज तक न जान सका। रोशन मुझे माफ कर देना रोशन, मेरी आखिरी हसरत मेरी आखिरी इच्छा तुझे भाई करना चाहती। अवता मेरा भाई अवता। मुस्कान